इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज की एक अच्छी और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले नोएडा के डीएम सुहास एलवाई से आज फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कहा, जिसकी नोएडा के डीएम ने कल्पना भी नहीं की थी। मोदी ने कहा कि आपने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि देश का प्रधानमंत्री आपसे बातचीत करने के लिए लालायित है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश को सुहास एलवाई पर गर्व है। अब आपको सुनाते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा के डीएम को फोन किया तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। देश का नाम बढ़ाया, कर्नाटक उत्तर प्रदेश दोनों का गौरव दिलाया, देश को गौरव दिला दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी बेटी का कौन है गुजरात का अफसर? सर गुजरात में रेमिया मोहन है सर, और यस सर, तो उनकी बैच है और हमारे बैच के लोग और पूरे सर्विस के लोग और उत्तर प्रदेश कर्नाटक दोनों के लोग सर बहुत ज़्यादा विशेष दिए थे सर। और आप सर बताए थे, जब हम लोगों को सर संबोधन किए थे, आपने सर बताया था कि सामने कौन है ये मत देखेगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। तो सर उसी का ये सर वही उसको मन में भी रखे थे, प्लस सर माइंड बहुत प्रिपेयर करके आए थे सर। और जब बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम एक छोटा सा शहर है सर शिमोगा, वहाँ का मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ, तो कभी सोचता नहीं था सर। इनफैक्ट पहले सर, पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को, बट भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया, मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी आपको फोन करने के लिए लालायित होता है। आपका अपना पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस है, और दूसरा दुनिया का नियम है जो बहुत सोच करके प्लानिंग करके मैं ये बनूंगा मैं वो करूंगा इसी दिमाग को लेके जाते हैं, उनसे अधिकतर लोग रह जाते हैं सर। लेकिन जो बिल्कुल करते रहते हैं वो कहीं पहुंच जाते हैं सर। आपने करके दिखाया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है सर। इंतजार कर रहा है सर। और आपने सर एक बात कही थी, जब हम लोग सर जकार्ता में, मुझे ब्रांज मिली थी सर एशियन पैरा गेम्स में, हम लोगों को आपने बुलाया था, तो सर आपने एक बात कही थी हमें जब संबोधन किए थे, आपने कहा था तो आपने ऑलरेडी जिंदगी में आप जीत लिए तो ये तो आप जीत ही लोगे। वो सर हमेशा मुझे याद रहती है कि जब आपने इतनी इंस्पायरिंग वर्ड्स कही थी सर, तो आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर कि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है सर, कि बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। देखिए, आपको मेरे कली है, देश का सरकार से चुना हुआ हर व्यक्ति मेरा कली है सर। कली के नाते में तो आपसे बात कर रहा हूँ सर, ये आपके बड़प्पन है सर। बहुत सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रधानमंत्री से डीएम सुहास एलवाई की बातचीत के बाद इंडिया टीवी ने भी सुहास एलवाई से बातचीत की, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। सुहास के साथ बातचीत की मेरे सहयोगी अमित पालत ने। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है जिन्होंने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में और देश का नाम रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूं सुहास एलवाई का, जो ना सिर्फ एक खिलाड़ी है बल्कि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं। सुहास जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, और साथ ही इंडिया टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस कि आपने देश का नाम रोशन किया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से देशवासियों को। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से जो सपोर्ट आशीर्वाद दिया है, हम सारे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया है और हम लोग यहाँ पूरे देश के लिए अपनी जान लगा पाए हैं। और थोड़ा गम भी है कि हमें गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, बट फिर भी पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल पाना एक आसान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए और देश के लिए करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगली बार आप पक्का गोल्ड लेकर आएंगे, और साथ ही जिस तरह से हम देख रहे थे कि हम तो आपसे बात करना ही चाहते थे, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री भी आपसे बात करने के लिए बहुत लाइट थे, उन्होंने खुद यह बात आपको कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन की थी, उन्होंने अपना विश्वास पूरी देश की तरह से दी है और आशीर्वाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना विश्वास और आशीर्वाद दी है और पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो सपोर्ट उन्होंने दी तो वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक रहती है। और जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि आप अपने नेचुरल गेम खेलिएगा, प्रेशर में मत आइएगा कि दूसरी छोर पे कौन खड़ा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज एक इंस्पायरिंग बात है कि जो हम अपने नेचुरल गेम खेले। आज भी मैंने यही कोशिश की थी फाइनल में भी, इसलिए बहुत ही कड़ी टक्कर का मुकाबला रहा। तो पूरे देशवासियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेरणा के लिए। अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आपसे बात करना चाहते थे, उन्होंने आपसे बात की, तो इस तरह से जब वो खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो आप लोगों के साथ हो, हर खिलाड़ी के साथ बात की है, इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल होता है, क्योंकि हम जब बचपन में, मैंने इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात कही कि हम बचपन में थे तो हम तो सोचते नहीं थे कि आईएएस बनेंगे और कलेक्टर बनेंगे और पैरालंपिक में मेडलिस्ट बनेंगे और एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से फोन पे वार्ता करेंगे, ये कभी सोचे नहीं थे। तो मतलब ये एक सपना सा लगता है कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हैं। और इस जीत पर सुहास एलवाई को पूरे देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुहास एलवाई को बधाई दी। योगी ने कहा कि सुहास ने प्रशासनिक दायित्व निभाने के साथ साथ खेल में भी कमाल कर दिखाया, वो पहले भी कई उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरालंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरालंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं श्री सुभाष एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इससे पहले भी वो कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आज ये भारतीय टीम के लिए एक नई उपलब्धि उन्होंने जोड़ी है, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। अपनी नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।